सो वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम केयर। मैं हूँ ऐश्वर्या। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बहुत सारे वीडियोस में मैंने शेयर किया है कि प्रसव पीड़ा शुरू होने के संकेत, डिलीवरी रूम में जाने के संकेत, यानी कि कैसे आप पता करेंगी कि आपके डिलीवरी में इतने टाइम बाकी है, डिलीवरी जल्द होने वाली है, उसके क्या लक्षण हैं। तो मैंने लक्षण बताए कि अब हो सके तो आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है अगर ये लक्षण आपके प्रेगनेंसी में आपके ऊपर दिख रहा है। तो बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे मतलब कमेंट किया कि मैडम आपने जो लक्षण बताए हैं, मतलब उन सारे लक्षण में मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, या फिर कईयों को वो लक्षण महसूस हो रहे थे लेकिन प्रसव पीड़ा शुरू नहीं हो रहा था, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या उनको प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी में जिसके कारण डिलीवरी में टाइम इतना लेट हो रहा है और प्रसव पीड़ा शुरू नहीं हो रहा है, डिलीवरी के कोई भी सिम्टम्स उनको महसूस नहीं हो रहे हैं, हो सकता है कि वो बैठी रहें और प्रसव पीड़ा शुरू ना हो, तो फिर एट लास्ट उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वही डॉक्टर द्वारा सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो प्रसव पीड़ा क्यों नहीं शुरू हो रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो देखिए, प्रसव पीड़ा शुरू नहीं हो रहा है, हो सकता है कि आपने अपनी जो कंसीव डेट है वो डॉक्टर को गलत बताई हो, जैसे कि हो सकता है कि 10 दिन या 15 दिन आपके डिलीवरी डेट में और आपके बताए गए डेट में अंतर हो, तो शायद हो सकता है कि आप 15 दिन पहले से ही वेट कर रही हों। यानी कि अब मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपने डॉक्टर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हो अपनी कंसीव डेट के बारे में, अपनी पीरियड डेट के बारे में, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो कि आपकी पीरियड डेट क्या है, जिसकी वजह से डॉक्टर द्वारा ईडीडी यानी अल्ट्रासाउंड में ईडीडी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो है वो गलत बताया गया है, यानी गलत एज्यूम किया गया है डेट का गलत होना। दूसरा ये कि जो बेबी ड्रॉपिंग है, यानी कि बच्चे का सर नीचे नहीं आ रहा है और बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, जिसके कारण आपको प्रसव पीड़ा नहीं हो रही है, तो दूसरा एक ये कारण होता है प्रसव पीड़ा नहीं होने का, मतलब प्रसव पीड़ा नहीं आने का और डिलीवरी नहीं होने का, डिलीवरी में टाइम लगने का। तीसरा कारण ये है कि पानी की जो थैली होती है उसमें पानी का कम होना, पानी की कमी के कारण आपको प्रसव पीड़ा नहीं होता है और डिलीवरी डेट में काफ़ी टाइम लगता है, यानी कि डिलीवरी होने में टाइम गैप हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो पानी का कमी प्रसव पीड़ा को टालने में एक कारण बन सकता है आपकी डिलीवरी में। उसके बाद यदि आपका वज़न काफ़ी कम है, यानी कि कह सकते हैं कि आपने अपनी प्रेगनेंसी में अच्छे से डाइट नहीं लिया है, आप काफ़ी कमज़ोर हैं, काफ़ी वीक हैं आप, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको प्रसव पीड़ा नहीं आ रही है। सेम इसका उल्टा भी, आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, आप काफ़ी ज़्यादा वज़न हो गया है आपका, तो ये भी एक कारण है कि प्रसव पीड़ा नहीं हो रही है शुरू आपको, और ये सारे प्रॉब्लम्स आपको डिलीवरी में आ रहे हैं, तो डिलीवरी होने में आपको टाइम लग रहा है और 40 हफ्ते बीत गए लेकिन अभी तक आपको लेबर पेन नहीं हुआ है। तो इसमें यही होता है कि जब 40 हफ्ता बीत जाता है, बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों को 40 हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ता है अपने डिलीवरी के लिए, वरना जिनको नॉर्मली होना होता है तो उनको 39 हफ्ता के पहले ही डिलीवरी हो जाती है, लेकिन अगर अभी तक 40 हफ्ता हो गया है और आपकी डिलीवरी नहीं हो रही है तो फिर आपको अपने पूरे मतलब जो 40 हफ्ता बीतने के बाद आपको डॉक्टर से मिलना होगा, डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगी, डॉक्टर ये पता करेगी कि अभी तक क्यों नहीं हो रहा है लेबर इंड्यूस, और फिर अगर कुछ नहीं हो सकता है शायद तो फिर अपने हिसाब से डॉक्टर जो है वो सी सेक्शन डिलीवरी करेगी। लेकिन एक अच्छे डॉक्टर वही होते हैं जो पहले से बातों को समझते हैं और अगर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है तो वो उसके और कोशिश करते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाना। धन्यवाद।